हाय फ्रेंड्स, अनीताज दावत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी चटनी बनाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ जो हम इसमें से बनाएंगे। ये है पीच। आजकल पीच की सीजन चल रही है तो उसमें से हम ये चटनी बनाने वाले हैं, और वो भी स्पाइसी, जिसे हम मोमोज, डोसा, इडली, पराठा सबके साथ खा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं ये पीच में से चटनी। आज हम पीच की स्पाइसी चटनी बनाने जा रहे हैं, जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स ये है, पीच है, रेजिन्स है यानी कि किशमिश, गार्लिक, ऑनियन और जिंजर। बाकी के क्या क्या मसाले डालने हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स स्पाइसी पीच चटनी के लिए रेडी है। ये है पीच के पीसेस, ये है अमेरिकन एप्पल साइडर विनेगर, ये है ऑनियन जो हमने चॉप किया हुआ है, जिंजर, गार्लिक को क्रश करेंगे, ये है मस्टर्ड सीड, ये है ऑल धनिया, कोरिएंडर सीड, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्राउन शुगर, रेजिंस यानी कि किशमिश, तेज पत्ता, ऑल रेड ड्राइड रेड चिली, नटमेग यानी कि जायफल, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, लौंग यानी कि क्लोव, और ये सिनेमन स्टिक्स, छोटे छोटे सिनेमन के टुकड़े। अब जो हमारे सारे ये होल स्पाइसेस है, खड़े मसाले, उसको हमें इसमें डाल के दरदरा पीसना है। अब उसे हमें दरदरा पीसना है, मोटा ही रखना है उसे। ये हमारा मसाला दरदरा पीस के रेडी हो गया है। अब हम उसे ये जो चीज क्लॉथ है यानी कि मसलिन क्लॉथ भी उसे कहते हैं, छानने का कपड़ा, बहुत ही पतला कपड़ा होता है, इसमें हम इसे डाल देंगे। और उसे धागे से हम ये इसकी ये ऐसी गठरी जैसा, पोटली जैसा बना के उसको बांध देते हैं। अब ये चटनी बनाने के लिए हमारी सारी तैयारियां हो गई है। अब ये जो गार्लिक है इसे हम क्रश कर लेते हैं। हम ये क्रश कर लेते हैं। ये देखिए हमारा क्रश हो गया है गार्लिक। अब ये एक सॉस पैन लेके उसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे जो हमने प्रिपेयर किया है वो सब डाल देते हैं। ब्राउन शुगर, गरम मसाला और चिली पाउडर, किशमिश, रेजिन, और ये जो हमने खड़े मसाले किए, जो उंगली यानी कि गठरी जो बनाई है, पैक बनाई है, उसमें और फाइनली लास्ट में ये जो एप्पल साइडर विनेगर है हम इसमें डाल रहे हैं। और उसे हम अब ये सारी चीजों को मिला
मिला के अब हम इसे गरम करने लगते हैं। अब उसे गैस पर रख के इसमें सबसे लास्ट में सॉल्ट डाल रहे हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और उसको ढककर पकाते हैं। देखिए अब थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हुआ है। इसको करीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा पकने में। चलिए देखते हैं कैसा हो गया है। देखिए ये पक के गाढ़ा होने लगा है और जो बीज और रेजिन से जो किशमिश ऑलमोस्ट फ्रेश हो गए हैं। उसको हमने बड़े बड़े पीसेस में रखा था और उसको एकदम वो पक के मेश हो गए हैं। बाकी जो अगर रह गया हो तो उसे ऐसे ऐसे दबा दबा के हमें उसको मेश कर देना है सारा। तो देखिए ये हमारी स्पाइसी पीच की चटनी रेडी है। आपने देखा होगा कि हमने उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। ये बिल्कुल जीरो ऑयल चटनी है हमारी। देखिए ये रेडी हो गई है। अब हम इसमें से ये जो हमने स्पाइस बैग जो डाली थी अंदर वो हम निकाल लेते हैं। ये हमने जो स्पाइसेस सब इसमें बांध के चीज सॉस में बांध के हमने जो ये बैग डाली थी वो हम निकाल लेते हैं। और ये चटनी को स्टरिलाइज बोतल में भर देते हैं। मैंने ये इसे दरदरा ही रखा है क्योंकि हम पराठे स्टफ पराठे सैंडविच उसके साथ खाते हैं। अगर आपको पीसना है तो थोड़ा ब्लेंडर उसमें घुमा के थोड़ा सा उसको स्मूथ कर ले। पर ज्यादातर मेरे हिसाब से ये चटनी ऐसे ही अच्छी लगती है। देखिए हमारी स्पाइसी पीच की चटनी जीरो ऑयल चटनी रेडी है। ये जो पीच है उसमें से हमने बनाया है। अब उसे हम साल भर के लिए उसे स्टोर कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ही प्रिजर्वेटिव के अंदर नहीं डाला है। वो भी हम उसे साल भर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और 2 से 3 महीने तक हम उसे बाहर रख सकते हैं। हो गई हमारी स्पाइसी पीच चटनी।